वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम अपनी डेवलपमेंट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, ये थ्योरी जीन पियाजे द्वारा दी हुई है, जो कि एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे वो स्विस के, जो मेनली जूलॉजी के, जो साइंस का डिपार्टमेंट होता है प्राणी विज्ञान के, उसके विद्वान थे। इसके साथ साथ इन्होंने धर्म और दर्शन का, मीन्स फिलोसफी का भी इन्होंने काफी अध्ययन किया, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फिर अपना योगदान दिया साइकोलॉजी में भी। बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, उनकी बुद्धि के बारे में कैसे बुद्धि का विकास होता है, काफी कुछ इन्होंने बताया। मेनली जो पियाजे ने दर्शन की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रांच होती है, उसके बारे में और प्राणी विज्ञान में क्या संबंध होता है, उसकी खोज जोन जीन पियाजे ने करी थी। और इन्हीं जो ये इनके कार्य थे एपिस्टेमोलॉजी के, प्राणी विज्ञान के, इन्हीं की वजह से मनोवैज्ञानिक के रूप में उनको काफी प्रसिद्धि मिली थी। साथ साथ जो पियाजे हैं, इन्होंने फ्रांस के बिनेट के साथ भी काफी, जो फ्रांस के और मनोवैज्ञानिक थे बिनेट, उनके साथ भी इन्होंने कई वर्षों तक इकट्ठे मिलकर कार्य किया था। पियाजे ने जो बुद्धि के बारे में बताया है कि बुद्धि जो है हमारी जन्मजात नहीं होती। मेनली जो जीन पियाजे का कंसेप्ट है वो ये बात बताते हैं कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। वो इस पहले का कारक, पहले सब ये कहते थे कि जैसे बच्चा जन्म होता है उस समय जो बुद्धि उसकी होती है उतनी ही बुद्धि उसकी रहती है, जन्मजात होती है, जबकि इन्होंने इस बात का खंडन किया है। ये कहते हैं जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है। देखिए, हमारा काम करने का एरिया बढ़ता है, हम नए नए हमें एक्सपीरियंस होते हैं, उन चीजों से हम सीखते हैं। ये बात जीन पियाजे की बताई हुई है कि जैसे जैसे हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे बुद्धि का विकास भी होगा। यही इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट है कि बच्चे की एज बढ़ने के साथ साथ बुद्धि का विकास भी होता है। जीन पियाजे ने क्या कहा कि प्रारंभ में बच्चा सरल संप्रदाय जो है, जो सिंपल कंसेप्ट हैं, पहले उनको सीखता है और धीरे धीरे फिर वो कठिन संप्रदाय, कठिन कंसेप्ट तक जाता है। देखिए, जैसे हमारे मेथड्स भी होते हैं कि हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, सिंपल से स्टार्ट करके फिर हम कठिन तक जाएं, वही चीज ये कहते हैं कि पहले बच्चा छोटे छोटे सिंपल कंसेप्ट सीखेगा फिर वो डिफिकल्ट के पास जाएगा। और क्या बताते हैं पियाजे, कहते हैं सीखना जो है यांत्रिक क्रिया, मैकेनिकल प्रोसेस ना होके, मतलब कोई मशीन ही सीखना नहीं है कि कोई बटन दबाया किसी ने सीख लिया, किसी की बुद्धि में डाल दो, जबकि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक पूरा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ये हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन, संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया होती है। सीखना जो है कंसेप्ट फॉर्मेशन है, हम हमेशा प्रैक्टिस से सीखते हैं। साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स देखिए, जो भी ये सीखना वर्ड होता है इसका मतलब लर्निंग से होता है, कि जो हम सीख रहे हैं जिसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सीखना कंसेप्ट फॉर्मेशन है, हम जो भी चीज सीख रहे हैं उसका कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है, हम सीखते हैं। और जिसका क्रम क्या है, सरल से कठिन संप्रदाय की ओर, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स हम जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे का मस्तिष्क विकसित होता चला जाएगा वैसे ही सरल से अपेक्षाकृत जटिल प्रतियों का निर्माण, मतलब जो और कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट कंसेप्ट जो है वो बच्चे उनको सीखते चले जाएंगे, और उनकी उपयोगिता की क्षमता भी, मतलब सिर्फ सीखने से मतलब नहीं होता, बुद्धि का जो विकास हो रहा है हमने फिर उसको यूज भी करना है आगे। तो बच्चा ये भी धीरे धीरे सीखता है कि कैसे उसकी कंसेप्ट जो है उसकी क्षमता विकसित हो रही है। जो मनोवैज्ञानिकों ने इस संप्रदाय का क्या कहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, मतलब कंसेप्ट होना, कंसेप्ट का बनना ही ये अपने आप में एक सिद्धांत है, जो प्रोसीजर जीन पियाजे ने इस तरह से इसमें बताया है। बच्चे की जो वास्तविकता के बारे में चिंतन करने की जो एक लेवल होता है, जो स्तर होता है, जो शक्ति होती है, वो मैच्यूरेशन लेवल होता है और अनुभवों की अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। मतलब जो सोचने समझने की क्षमता जो विकसित होती है वो क्या है, बच्चों का मैच्यूरेशन लेवल है, और जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस बच्चों का हुआ है उसकी अंतर्क्रिया, मतलब बच्चे खुद से सोच विचार करते हैं, अपने कंसेप्ट के आधार पर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, इंटरेक्शन होगा तो बच्चे सीखते हैं, इसी को जो ये अंतर्क्रियावादी विचारधारा है इंटरेक्टिव व्यू पॉइंट का नाम दिया है मनोवैज्ञानिक, इसी चीज को इंटरेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट कहते हैं, कि
बच्चा जब अपने माइंड के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन कर रहा है, देखो सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई नई चीज सीख ली बस सीख के काम खत्म, ऐसा नहीं है। जो भी हम सीख रहे हैं कुछ और नया आगे बढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, औरों के साथ इंटरेक्शन भी होगा, हम अपने विचार रखेंगे, तभी हमारी क्षमता भी और बढ़ेगी और हम नया सीख पाएंगे। अब इसकी जो ये थ्योरी है हमारे प्याजे की, इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हुई हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अपने इसी विचार को उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड करके बहुत ही इजीली क्लियरली उन्होंने इस कंसेप्ट को क्लियर करा है। ये जो हमारी अवस्थाएं हैं ये संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्थाएं बच्चे की बढ़ती है, एज बढ़ती है, उसमें परिवर्तित होती है। जिस विशेष अवस्था में बालक में पाए जाने वाले समस्त ज्ञान, विचार, व्यवहार, ये सारे संगठन होते हैं, ये एक सेट तैयार हो जाता है, और इस सेट को हम स्कीमा कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे बच्चों में विचार आने शुरू हुए, धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई बातें वो सीख रहे हैं, जो भी ज्ञान, विचार, व्यवहार, ये सब इकट्ठा हुआ, उनका एक सेट तैयार हो जाता है, और प्याजे उस सेट को स्कीमा का नाम देते हैं। ये जो स्कीमा है क्या होता है, बच्चे के द्वारा हासिल किए गए अनुभव और परिपक्वता, मतलब उसका एक्सपीरियंस और मैच्योरेशन पर निर्भर करता है। बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरने के बाद ही बच्चा मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, क्या कैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो इन 4 स्टेजेस के थ्रू जीन प्याजे ने बताया है, जिसमें सबसे पहली हमारी स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, स्थूल या मूल संक्रिया की अवस्था, और फोर्थ है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। एक एक करके अब इन 4 स्टेजेस को स्टूडेंट्स हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए संवेदी पेशीय, जैसे कि इसके नाम से भी पता लगता है, संवेदना, किस तरह से बच्चे को स्टार्टिंग से संवेदना होने लगती है, ये वाली जो स्टेज है ये जन्म से लेके 2 साल तक, और इस स्टेज को जीन प्याजे ने 6 सब स्टेजेस में बांटा है, मतलब इसको और डिफाइन करने के लिए 6 स्टेजेस में बांटा गया है। अब वन बाय वन अब हम वो सब स्टेजेस के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या कहते हैं जीन प्याजे। उसमें सबसे पहले स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटीज, सहज क्रियाओं की अवस्था, ये वाली जो फर्स्ट स्टेज है ये जन्म से लेकर 30 दिन तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा केवल सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जो अपने आप से होने वाली क्रियाएं होती हैं वो करता है, जैसे कि किसी वस्तु को मुंह से चूसने की प्रक्रिया, दूध पीना, अंगूठा चूस लेना, कोई भी चीज बच्चा लेके उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, और सबसे अधिक यही क्रिया जो है इस अवस्था में प्रबल होती है। ये जब 2 वर्ष की अवस्था, ये वाली जो पूरी स्टेज जब खत्म होती है, तब बच्चे के अंदर विचार और कल्पना प्रारंभ होते हैं, मतलब ये पहली स्टेज खत्म होने के बाद, लेकिन ये सब स्टेज बिल्कुल स्टार्टिंग की है, जो केवल 30 दिन तक हमारी रहती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारी जो सेकंड स्टेज है, प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये वाली जो अवस्था है, सेकंड सब स्टेज है, इसकी अवधि 1 मास से 4 मास तक की होती है। देखिए जो पहली सब स्टेज थी 30 दिन, मतलब 1 महीने की, तो ये उसके बाद 1 मास से 4 मास तक की होती है। इस अवधि में बच्चों की कुछ सहज क्रियाएं, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो सीमा तक उनकी अनुभूति द्वारा परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है, मतलब वो फील करने लगते हैं, क्रियाओं को समझने लगते हैं, कोऑर्डिनेट करने लगते हैं, और इसमें बच्चे के शरीर की प्रमुख अनुक्रियाएं होती है, इसलिए इनको प्रमुख भी कहा जाता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे बातों को, चीजों को समझना आ रहा होता है। जो प्रक्रियाएं मेन क्रियाएं हैं जो इसमें सीखता है, उनको हम प्रमुख करते हैं, और जो बार बार क्योंकि यही दोहराई जा रही है, तो दोहराने की वजह से इसे वृत्तीय सर्कुलर भी कहा जाता है। इसमें जो बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है वो भी बिना किसी भय के, डर के करता है, क्योंकि 4 मास तक के बच्चे को हर एक्टिविटी को नई सीख रहा है, खुश होकर करता है, उसे किसी चीज का भय नहीं है, तो बिना भय के करता है। थर्ड स्टेज
स्टार्ट हो जाती हैं। फिर फोर्थ है हमारी स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा बोन स्कीमा के समन्वय की अवस्था। ये वाली जो अवस्था है ये 8 से 12 मास तक होती है और इसके अंतर्गत बच्चे जो है जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के जो साधन है मीन्स कि कोई भी चीज उन्हें चाहिए तो उन्हें वो कैसे प्राप्त करेंगे, उनका उद्देश्य हो गया उस वस्तु को प्राप्त करना और उस प्राप्त करने तक कैसे पहुंचेंगे वो सब यहाँ पे समझने लग जाते हैं। बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करेंगे, जैसे बच्चे बड़े जैसे बोल रहे हैं उनको देख देख कर थोड़ा बहुत बोलना सीखेंगे, क्योंकि ये 8 से 12 साल तक है और 1 साल का बच्चा अपनी बात भी बताने लग जाता है, बड़ों का अनुकरण करके थोड़ा बहुत बोलने भी लग जाता है और उनको ये स्कीमा सीखते हैं और उनका सामान्यकरण भी जनरलाइजेशन भी करते हैं। मतलब क्या है वो अपने डेली जो उनका काम है खेल कूद रहे हैं उनमें इन बातों को वो शामिल करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है फिर तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर एक्टिविटीज। ये 12 से 18 मास तक की होती है, बच्चों को वस्तु के गुणों को भूल और प्रयास द्वारा सीखते हैं। मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि हम बारी बारी कोई काम करके जब हम सीख रहे हैं, गलती करा फिर सीखा, गलती करी फिर सीखा, तो इसमें जो ये 1.5 साल तक की अवस्था है बच्चा इसमें कर करके सीख रहे हैं। जैसे कोई चीज पकड़ी गिर गई छूट गई उसे पता लगने लगता है कि किस चीज का क्या रिएक्शन होगा। तो इसी में फिर इस तरह से लास्ट स्टेज है मानसिक संयोग पर नए साधनों की खोज की व्यवस्था स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉन्टीन्यूशन। ये जो अवस्था है 18 से 24 साल ओवरऑल पूरे से 2 साल तक की थी, तो ये लास्ट स्टेज है 1.5 से 2 साल तक की, जो बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उनके अस्तित्व को समझना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चों को अपने पेरेंट्स की पहचान हो जाती है, भाई बहन की पहचान है, जो घर में और मेंबर्स हैं उनकी पहचान है, अगर वो नहीं है तो भी बच्चा उनको उनके अस्तित्व को पहचानते हैं। जैसे उनके सामने मम्मी पापा कहा जाए तो उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं किसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये वो स्टेज है जो 2 साल तक बच्चा समझने सीखने लग जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी। सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे ने जो ये वाली अवस्था है इसको 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है, फर्स्ट स्टेज 2 इयर्स तक और सेकेंड जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 इयर्स तक की होती है। इस अवस्था की भी 2 उप अवस्थाएं हैं, पहली है प्री कंसेप्शनल पीरियड और सेकेंड है इंट्यूटिव पीरियड, पूर्व संक्रियात्मक अवधि और अंतर्दृष्टि अवस्था। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि इन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं। जो हमारी पहली अवस्था है प्री कंसेप्शनल पीरियड, ये जो अवस्था है इसमें कौन कौन से विकास होते हैं, ये जो हमारी सब स्टेज है फर्स्ट, इसमें बच्चे आसपास की वस्तुओं को प्राणियों में सब में संबंध स्थापित करने लग जाते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवधि में क्या क्या होता है वो है। तो पहले वाली स्टेज चलेगी हमारी 2 से 4 वर्ष तक, अगली 4 से 7 वर्ष तक। तो 2 से 4 वर्ष वाले में व्यक्ति बच्चे जो सीख रहे हैं वो इस स्टेज में होता है। अनुकरण खेल द्वारा सीखते हैं, अनुकरण मतलब एक दूसरे का देख देख के पीछा नकल करके सीखना होता है, खेल खेल में सीखना। प्याजे कहते हैं कि 4 वर्ष तक के जो बच्चे हैं सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणियों के रूप में समझते हैं, मतलब अभी वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग का अंतर करना सीख रहे हैं। जनरली अभी वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग्स यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको हम जीववाद एनिमिज भी कहते हैं। अपने विचारों को भी सही मानते हैं कि उनके द्वारा कही गई बात ठीक है। बच्चे ये भी समझते हैं कि सारी दुनिया उनके आसपास है और इसलिए इसको आत्मकेंद्रता भी कहते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं यही इतनी दुनिया है जितनी वो देख रहे हैं। ये तो 4 वर्ष तक की चेंजेस हैं। उसके बाद 4 से 7 वर्ष वाला नेक्स्ट हमारा पीरियड है इंट्यूटिव पीरियड, 4 से 7 वर्ष चलती है। बच्चे भाषा सीख रहे हैं, भाषाओं में मातृभाषा सीखी हुई है, धीरे धीरे वो सीख रहे हैं और भाषाएं सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। इसमें चिंतन और तर्क करने लग जाते हैं कि बच्चे सोच समझ के बताते हैं क्या करना है और इसके साथ साथ कोई तरुण अंतर नहीं है चिंतन और तर्क में, कि मतलब ये नहीं है कि इसे रिलेट से करके मतलब उनको बातों का समझ में आने लगता है। 6 वर्ष की आयु तक जो है बच्चे कॉन्क्रीट कंसेप्ट को समझते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्या है, मतलब अलग अलग हर चीज की पहचान होने लगती है उनके बारे में, उनको समझ में आने लगती है। यहाँ पे वो रट कर सीखते हैं, वो याद कर रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं लेकिन कैसे होता है ये समझ में, मतलब यहाँ पे कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते लेकिन कंसेप्ट वो समझने लग जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है स्व केंद्रित और स्वार्थी नहीं होता है, दूसरों के साथ में रह के वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है,
है, सीख सकता है, समझ सकता है। और इस अवस्था में वह धीरे धीरे सिंबल्स को भी ग्रहण करना सीखता है, जो सिंबल्स उसके आगे आ रहे हैं उनको समझता है, सीखता है। और नेक्स्ट और स्टेज में क्या होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि कोई भी कार्य किया वो किस कारण से हुआ और उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब उससे क्या उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, उन चीजों का भी बच्चों को पता लगता है। और यहाँ पे बच्चे जो है शीघ्रता से दूसरों को विचारों को एकदम से ग्रहण नहीं कर पाते, जैसे हम कहते हैं ना बच्चा जिद्दी है, मान भी रहा, उसे इस टाइम भेद करना, फर्क करना नहीं आता, इसीलिए जल्दी से वे दूसरों की बातों को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि तर्क शक्ति का अभाव है उसमें, वो तर्क नहीं दे सकते हैं। मानसिक रूप से अपरिपक्व है क्योंकि 7 ईयर्स तक की स्टेज है, मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण वो समस्या समाधान के दौरान समस्या केवल एक पक्ष पर ही ध्यान करते हैं, कई बार वो इसमें निर्णय उनके गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों की बात नहीं समझना चाहते तो उनके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड स्टेज। अब हमारी आगे थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, स्थूल या मूल संक्रिय की अवस्था। ये वाली जो अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक की अवधि की होती है। इसमें बच्चे व्यवहारिक और यथार्थवादी हो रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ रही है। देखिए इस पूरे स्टोरी का कंसेप्ट ही यही है, जीन प्याजे ये बताना चाहते हैं कि बुद्धि जन्म जन्म नहीं होती, अर्जित होती है। तो किस तरह से उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और क्या चेंजेस आ रहे हैं वो इसमें बताया जा रहा है। तो बच्चे धीरे धीरे व्यवहारिक और यथार्थवादी होने लगते हैं, समस्या समाधान की क्षमता मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ रही है उसमें, कॉन्क्रीट समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं, लेकिन कई अमूर्त समस्याओं के बारे में वो नहीं सोच सकते, मतलब जो उनके सामने आ रही है वो उसके बारे में सोचने समझने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों में वस्तुओं के अनेक गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, मतलब जो क्वालिटीज है किसी भी चीज की उसको वो डिवाइड करते हैं। बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती, मतलब वो सोचते चले जाते हैं, कोई सीरियल ऑर्डर में नहीं कि किस एक के बाद इसके बाद यही सीखना है, ऐसा कुछ नहीं, वो नई नई चीजों के बारे में सोचते हैं। और जो बच्चों में क्षमताएं विकसित होती हैं इस स्टेज में क्या क्या सीखते हैं, वो है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन करना सीखना, न्यूमरेशन, संख्या बोध का उनको पता लगता है, सीरिएशन क्रम अनुसार अवस्था की हर एक को एक टेबुलर फॉर्म में क्रम के अनुसार कैसे काम को करें वो चीज होता है, क्लासिफिकेशन करें किसी भी चीज को, उनकी प्रॉपर्टीज क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना वो सीखते हैं, रिलेशनशिप क्या है उन चीजों के बारे में इनको पता लगता है। अब ये सारी चीजें है क्या, कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जो कोई भी ज्ञान जो पदार्थ मैटर के रूप में बदलने के बाद भी मास, नंबर, वेट, वॉल्यूम की दृष्टि के अनुसार कोई भी चीज जब अपरिवर्तित रह जाती है, मतलब चेंज नहीं होती, वो कंजर्वेशन होती है। और ये 7 से 12 वर्ष के बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, सीखी समझी जाती है। संख्या बोध का जो पर्याप्त विकास है इसी अवस्था में, संख्या बोध मतलब नंबर का जो सीखना है वो ये 7 से 12 वर्ष की स्टेज में बच्चे सीख जाते हैं, गणित पढ़ना, वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं, काउंटिंग वगैरह सब बच्चों को इस स्टेज में आ जाती है। और इस अवस्था में वस्तुओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करने की क्षमता पाई जाती है कि एक सीरियल ऑर्डर में बच्चे करें। और 7 से 12 वर्ष तक का बच्चा विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्था है उनको विभिन्न दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, जैसे मीठी वस्तुएं, कड़वी वस्तुएं, खट्टी वस्तुएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है क्लासिफिकेशन में, इसमें ये वही चीजें हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग बच्चे चीजों को अलग अलग करना सीख जाते हैं। और इस अवस्था में विभिन्न जो उद्दीपक है, जो भी स्टिमुलस उनके सामने आ रहे हैं, मतलब जो भी चीजें उनके सामने आ रही है उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, जैसे क्या देखो फॉर एग्जांपल दो रेखाएं हैं, दो लाइनें उनके आगे हमने लगा रखी हैं, तो वो बताएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बड़ी छोटी का रिलेशनशिप है, सीधी है टेढ़ी है, ये सब रिलेशनशिप बच्चे इसमें बताने लग जाते हैं। अब लास्ट में हमारी फोर्थ स्टेज है, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, फाइनल स्टेज है ये, जो ये विकास की, जो प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं उसकी लास्ट अवस्था है, जो 12 वर्ष तक के बच्चे के बाद, पिछली की हमारी 12 वर्ष तक, 12 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है और बच्चे के एडल्ट होने तक ये हमारी चलती है। 12 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बच्चे का मस्तिष्क जो है परिपक्व होने लगता है, थिंकिंग चिंतन को क्रमबद्ध रूप से करने लगता है, चिंतन करना तो स्टार्ट कर दिया उसने पिछली स्टेज में, लेकिन एक क्रमबद्ध रूप से कि किस तरह से उसे सीखना समझना है उसे आता है। और एज बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव भी बढ़ रहे हैं, समस्या समाधान मतलब जो भी प्रॉब्लम उनके आगे हैं वो उसको सॉल्व करना भी सीख रहे हैं। और इस अवधि के बच्चे जो है प्रतीकात्मक शब्दों का अर्थ भी समझने लगते हैं, मतलब बच्चों को कोई कंसेप्ट दिया
रहेगा तो बच्चों को समझ में आता है। इस अवस्था में जो किशोरों के विचार, जो बच्चे यंग बच्चे हैं, उनके संगठित और परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि 12 वर्ष के बाद की एज है बच्चों में मेच्योरिटी आ रही होती है। और इस अवस्था के मुख्य लक्ष्य जो है तार्किक चिंतन की क्षमता अर्जित करना होता है, यही इस अवस्था की विशेषता है। मतलब वो तर्क देने लग जाते हैं, तर्क समझने लग जाते हैं, अगर वो अपनी बात को सही ठहरा रहे हैं तो उसके लिए वो तर्क भी दे सकते हैं कि उनकी बात सही क्यों है। और बच्चों जो वस्तुओं के जो विभिन्न तरह के विचार आते हैं वस्तुओं से रिलेटेड, उनके बारे में भी चिंतन करना सीख जाता है। बच्चा यह भी सीखता है कि विभिन्न विचारों को किस प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज को सीख समझ सकते हैं। और जो भी घटनाएं उसके आसपास हो रही हैं वो हाइपोथेसिस बच्चा कर सकता है, मतलब परिकल्पना कर सकता है कि जो घटनाएं हो रही हैं किससे रिलेटेड है, इसका क्या रिजल्ट होगा, मैं ऐसा काम करूंगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो बच्चा इस तरह की सोच विचार इसमें रख सकता है और इन्हीं को सत्यापित करने का प्रयास भी करता है। बच्चा जो है इनकंसिस्टेंसी है, विसंगतियां हैं, समझने की क्षमता रखता है, मतलब जो गंदी अच्छी आदतें बुरी आदतें या काम ठीक है नहीं है सही गलत में बच्चा फर्क करना सीख जाता है। और बच्चा वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है, मतलब जो वास्तविक जो एक्चुअल उसको एक्सपीरियंस हो रही है उसको वो काल्पनिक परिस्थितियों में मतलब इमेजिन भी कर सकता है। एक्चुअल क्या है, अगर हम जैसे बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जैसे हम कहें कि ट्रेन की स्पीड से जा रही है, तो बच्चा उसको कल्पना भी कर सकता है कि हाँ भाई ट्रेन ऐसे चल रही है, किस स्पीड से चल रही है। तो एक्चुअल चीजों को कल्पना में लाना, सब चीजें जैसे क्लास में दिखा के करा के पॉसिबल नहीं होती, तो टीचिंग वे को हर बातों को बच्चे यहाँ पे समझने लग जाते हैं। तो ये पूरी थ्योरी थी जो जीन प्याजे ने स्टेजेस में डिवाइड करके समझाई है कि किस तरह से बच्चे का विकास होता है, कैसे उसकी बुद्धि जो है वो डेवलप होती है, जन्म जन्माओं के अर्जित हो रही है इन एक्सपीरियंस के बिहाव पे। तो ये जीन प्याजे की थ्योरी थी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।